हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज मंगलवार है, 27 अगस्त 2019 है, और मैं जो अपडेट लेके आया था वो आया था निफ्टी पे। निफ्टी आज कल परसों 2-3 दिनों से बहुत अच्छा खासा भागा हुआ है। ऐसा गलत फहमी मत रहिएगा कि 11,350 भी ये क्रॉस कर जाएगा। अभी जो 28 तारीख की एक्सपायरी होने वाली है, कमिंग डेज की एक्सपायरी है, ये कहीं ना कहीं 11,000 से 11,150 के रेंज में आपको रहता हुआ दिख सकता है, और 11,000 से 11,150 के रेंज में क्लोज होता हुआ भी दिखेगा। आज जो निफ्टी एक्सपायरी हुआ है वो 11,105 पे क्लोज हुआ है, 47 पॉइंट ऊपर है, और यहाँ पे देखेंगे तो 35 एडवांसेस है, 15 डिक्लाइन है। निफ्टी में बात करूँ तो आज यहाँ 11,106 पे ये ओपन हुआ, और वहीं पे 11,141 का हाई लगाता है, लो 11,049 का लगाता है, और कहीं ना कहीं ये 100+ पे क्लोज होने का लगता है। वहीं पर विक्स पे भी देखेंगे तो विक्स भी यहाँ पे 3.3% 3.87% के साथ कमजोर के साथ क्लोज हुआ, मतलब अच्छा पॉजिटिव है, बढ़ने के लायक दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। ये एक न्यूज़ था, न्यूज ओरिएंटेड था, और ये कहीं ना कहीं गेन आपको दिख रहा था, तो हर जगह आपको यहाँ पे गेन देखने को मिला। बैंक वो ऑटो फाइनेंस सब में आप देख रहे हैं, सब में गेन है, एक्सेप्ट IT में और मीडिया में और फार्मा में छोड़ के। और वही इंडेक्स में देखें तो सारे इंडेक्स में आपको गेन मिला हुआ है। सेक्टरल इंडेक्स में बात करें तो निफ्टी ऑटो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो अभी तक बहुत अच्छा खराब कर रहा है, तो PSU भी अच्छा परफॉर्म किया और मेटल भी अच्छा परफॉर्म किया, तो आप कहीं ट्रैप नहीं हो जाइएगा। अभी निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं अभी एक बार हो सकता है ये आपको 11,350 तक ऊपर की ओर लेके जाता हुआ दिखे। रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 10,985 का लगा लीजिएगा। आपको अगर अपसाइड में रहना है, बुलिश मार्केट में रहना है, तो 10,985 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के आप ऊपर की ओर रह सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में आपको बिजनेस ज़्यादा है। अभी भी FI की बाइंग चालू नहीं हुई है, अभी भी FI निगेटिव पॉइंट पे ही है यहाँ पे, और निगेटिव पॉइंट पे ही काम कर रहे हैं। आज के जो गेनर है टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया, टाटा स्टील, यस बैंक और NTPC, और जो लूजर है इंडिया बुल, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और ग्रासिस। गोल्ड पे ध्यान रखें, गोल्ड अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है कमिंग डेज में भी। गोल्ड पे या गोल्ड ETF पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए और टाइमिंग के लिए भी। अभी ये जो ट्रेंड आया है एक न्यूज ओरिएंटेड हाइप हुआ है, बट वापस ये नीचे मार्केट जाएगा और 100% जाएगा, ये कोई बॉटम बना नहीं है। अगर मैं इसको चार्ट में देखने की कोशिश करूं तो निफ्टी पे ये आप जो देखेंगे यहाँ पे एक 11,063, इसका 21 दिन का डेमा है, इसका सपोर्ट लिया है और यहीं पे खड़ा है, और कहीं ना कहीं 9 दिन का डेमा जो इसका है 10,985। मैं इसलिए आपको बोला 10,985 का सपोर्ट जरूर रखें, और ये हो सकता है आपको 11,266 और 11,343 जो कि 100 दिन का टाइम है वहां तक आपको जाते हुए एक बार दिख सकता है, लेकिन इस एक्सपायरी में नहीं, 5 सितंबर की जो एक्सपायरी है वहां तक में हो सकता है वैसा पोजीशन आपको दिख सकता है। किसी भी हालत में आपको 10,985 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो एक बिजनेस वापस आपको 10,600-10,700 की ओर जाते हुए दिखेगा आपको। इंडिया विक्स को अगर देखने की कोशिश करें तो 13 अभी ये जो आज क्लोज हुआ है 15.9225 पे क्लोज हुआ है, ये कहीं ना कहीं 13.36 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है, मींस मार्केट थोड़ा अपसाइड दिख सकता है। बट जो हमें लॉन्ग रन से देखना है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो FI की कैश में अभी भी बिकवाली हुई है 923 करोड़, आज भी बिकवाली हुई है 752 करोड़ की, अभी भी बिकवाली हो रही थी कल भी 26 को भी, और एक कंटिन्यू अभी बिकवाली, और अभी तक मंथ जो आप टिल डेट देखेगा 14,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है, और DI ने 18,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये अभी भी अगर इसको हम मंथली बेसिस पे भी देखने की कोशिश करें तो जुलाई में आप देखेंगे 16,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कर चुके हैं ये। तो किसी भी तरीके से देखें तो अभी भी बाइंग सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, और कोई भी बाइंग FI की ओर से अभी नहीं दिख रही है, इसलिए मैं आपको वार्निंग और कॉशियस पोजिशन बना रहा हूँ कि आप जो भी करें स्टॉप लॉस पोजिशन जरूर ध्यान में रखें। अगर 29 अगस्त की एक्सपायरी को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ तो आपको थोड़ा सा दिखता है कि 11,150 11,000 के रेंज में ही घूमता हुआ दिख सकता है, बट 5 सितंबर पर जब जाके देखते हैं तो वहाँ पे 11,350 की ओर जाते हुए दिखता है।
एक बार इसको 11105 पे जाकर के 11 क्लोजिंग हुआ है 27 अगस्त को, और 29 अगस्त की एक्सपायरी को देखें तो 11100 के आसपास देखेंगे, तो आप नीचे की ओर देखेंगे 11100 सब जगह अनवाइंडिंग पोजीशन हो रही है, पोजीशन अनवाइंड हो रही है, जबकि प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है फिर भी यहाँ पोजीशन में अनवाइंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस का सिग्नल जरूर है, लोग अपनी प्रॉफिट को बुक करके बाहर निकलना चाहते हैं। और 11150 पे शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, प्राइस एक्शन में बिक्रीज हो रहा है, तो 11150 पे शॉर्ट की पोजीशन चालू हो गई है और 11100 की ओर अनवाइंड हो रही है पोजीशन, तो वीकनेस तो है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, तो 11000 पे आप देखेंगे 8,83,000 जैसा आज ही पोजीशन शॉर्ट की बनी है और 43 लाख ओपन इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर 11000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपर 11150, तो 29 तारीख तक हो सकता है ये पोजीशन आपको एक्सपायरी तक 11,150 करके क्लोजिंग करते हुए दिखेगा। लेकिन जब आप इसको पोजीशन को जाएंगे 5 सितंबर को देखेंगे जाकर के, तो 5 सितंबर में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 11100 और कहीं ना 11200, इनफैक्ट 11350 तक की पोजीशन में जो हो रही है पॉजिटिवनेस है और पोजीशन बाइंग की बन रही है, और 11050 का यहाँ पे बॉटम है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 11300 तक की शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, और 11000 पे यहाँ पे भी 12,92,000 का सपोर्ट है, तो 5 सितंबर तक तो लगता है 11000 शायद ये नहीं टूटे और ये ऊपर की ओर अभी दिखता हुआ आपको जाता हुआ दिख सकता है 11350 5 सितंबर की जो क्लोजिंग है उसमें वहाँ पे ऐसा पोजीशन बनते हुए दिख रहा है। ये होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी टाइम बीइंग ये ऊपर की ओर दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म पे ये वापस नीचे 11350 से नीचे आएगा और वापस आपको 10700 पे लेके जाएगा, तो बेहतर है जब ऊपर की ओर पोजीशन जाए पहला 11200 पे आप वाच रखें, अगर ये 11200 क्रॉस करता है 210-220 और वेट करता है तो वहाँ 11350 जाएगा वो, और 11350 पे आप आँख बंद करके शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, पहला ही 11000 मिलेगा आपको और 11000 के बाद अगर शॉर्ट तोड़ता है तो 10700 मिलेगा आपको, ये दो पोजीशन के लिए आप चाहें तो 5 सितंबर तक वेट कर सकते हैं, रेंज है 10700 से 11350, इस रेंज में मार्केट आपको 5 सितंबर तक ट्रेवलिंग करते हुए दिखता है, जैसा चाहे आप पोजीशन बना सकते हैं, मुझे बेरिश सिग्नल ज़्यादा दिखता है, तो मैं 11000 का स्टॉप लॉस या 10950 जो आपको बताया कि आप चाहें तो यहाँ पे 10985 का एक सब स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर अप ट्रेंड में बने रह सकते हैं, बट जो भी करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, मेरे कहने से कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। आज अगर एट दी मनी पर 29 अगस्त को देखें 5 सितंबर की पोजीशन को चाहें और बनाने की पोजीशन को, तो अगर ये नीचे की ओर जाता है तो 11000 पे जो कॉल है वो आपको यहाँ पे 11000 आपको 149 रुपये मिलता है, और ये अगर नीचे की ओर जाता है तो आपको ये कॉल सस्ते में मिल सकता है, वहाँ पे आप इस कॉल को देख सकते हैं 5 सितंबर के लिए, अदरवाइज 5 सितंबर के बाद का आप फिर पोजीशन चेक कर लेंगे, लेकिन बेरिश पोजीशन पे ही मार्केट है, अभी बुलिश पोजीशन नहीं आया, मार्केट में कोई खरीदारी नहीं है, 5 सितंबर तक दिखता है कि मार्केट पोजीशन ऊपर की ओर दिख सकता है, ये मेरा ऐसा मानना है, ओपिनियन है, मेरा व्यू है ऐसा मार्केट के लिए, लेकिन मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप वॉच लिस्ट रखें, देखें और जज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।